हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो गया। हम लोग भी तीज स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल घेवर बनाते हैं। हम लोग मलाई घेवर बना रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। तो हमने क्या लिया है, 1 लीटर दूध लिया है। उसमें हमने एक कढ़ाई में डालकर, मोटे पेंदे की कढ़ाई लीजिए या नॉन स्टिक लीजिए, उसको धीरे धीरे चलाते रहिए। तब तक चलाइए तब तक दूध जो है वो मतलब 4 कप दूध जो है वो 2 कप के आसपास ना हो जाए, या मोटी कंसिस्टेंसी ना बन जाए रबड़ी जैसी। तब तक हमें चलानी है, और साइड में जितनी भी मलाई चिपक रही है ना, उसको हमें खुरेद खुरेद के निकालना है। अब उसमें अपने स्वाद के अनुसार से आप चीनी डालिए, जितना आपको मीठा पसंद है। ऐसे इसमें मेरे हिसाब से 4 स्पून बहुत इनफ है। और इलायची डालिए, आप सेफ्रॉन वाला का पानी डालिए सेफ्रॉन को भिगो कर। ये आपकी रबड़ी जो है तैयार है। उसको आप ड्राई फ्रूट डालकर ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम जो है घेवर की तैयारी करेंगे। ये आप रबड़ी ऐसे भी खा सकते हैं या मलाई घेवर के साथ भी खा सकते हैं। और उससे पहले अब हम ना शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप के लिए हमने क्या किया है, 1 कप चीनी लिया है, और उसी कप के मेजरमेंट से हमें 1/2 कप पानी लेना है। और उसी से लगातार जो है हमें शुगर सिरप बनाना है। उस पर पानी डालकर हमें चलाते रहना है लगातार, ताकि वो चीनी चिपके नहीं। अब इसमें हम इलायची डालेंगे, और उसको हम चीनी को ही चाशनी को साफ़ करने के लिए हमें ना 1 चम्मच दूध भी डालना है, जिससे चीनी जो है हमारी चाशनी साफ़ हो जाए, क्लियर चाशनी बने सिरप, शुगर सिरप। अब इसमें हम इलायची भी डालेंगे। देखिए हमारी चाशनी अब बन गई है। देखिए हमारी चाशनी अब तैयार हो गई है। अब एक चेक करने के लिए हम देख लेते हैं, हमें 1 तार की चाशनी बन गई है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। घेवे की हम तैयारी करेंगे। घेवे को आसान बनाने के लिए मैं मिक्सी का जार लिया, उसमें पिघला हुआ मैंने घी डाला है, 4 बर्फ़ के क्यूब डाले हैं, उसको हमने चलाया है। अब इसको देखिए हमारा ये है मक्खन जैसा निकल आएगा। अब इसमें हमने दूध डालना है 1 चम्मच, उसको फिर चलाना है। अब ये व्हिप क्रीम बन जाएगी। अब इसमें हमने क्या करना है, 1 कप मैदा डालना है और 2 चम्मच हमें बेसन डालना है। फिर हमें मिक्सी चलानी है, ये हमारा जो है फिर से ये सूखा निकल जाएगा। अब हमें जो है ठंडा चिल वाटर डालना है, धीरे धीरे डालेंगे वाटर, ताकि हमारा ये जो है पतला बैटर जो है वो तैयार हो जाए। अब उस बैटर को हमें हमेशा चिल रखना है, इसलिए हमें जो है बर्फ़ की एक कटोरी में उसके ऊपर एक दूसरी कटोरी में रख कर बैटर डालना है। और उसको हमने एक पाइपिंग बॉटल में हमने जो है उसको भर लिया, ताकि हम घेवर बना सकें। आप कलछू से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा जो फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो वो बॉटल से बनाए, सॉस वाली बॉटल से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने पैन में घी ले लिया है, आप तेल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और अपने हिसाब से आप बर्तन ले सकते हैं। किनारे किनारे से पहले डालना शुरू करें, और फिर धीरे धीरे डालते रहें। जब वो एक झंझनाहट ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा डालें और साइड से छुड़वाते जाएँ, और ये आपका घेवर जो है वो तैयार हो गया है। अब इसकी हम ठंडा होने के बाद इसकी हम थोड़ा सा शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप अपने मन के हिसाब से डालिए, अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर उसके ऊपर हमने मलाई जो बनाई है, रबड़ी बनाई है, वो डालनी है, और उसको हमने ड्राई फ्रूट से सजाना है। ये हमारा घेवर तैयार हो गया है। अब इसकी मैं कुछ टिप बता देती हूँ, जिससे आपको आसानी होगी। घेवर तलने के समय हमारा जो हीट हो ऑयल हो वो हाई हीट में हो, और बहुत गर्म तेल हो, और उसको हमें फ्लेम को ठंडा नहीं रखना है, हमेशा गर्म ही रखना है। जिस साइज़ का हमें घेवर चाहिए उस साइज़ का बर्तन ले सकते हैं, और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि सॉस पैन हो वो लें। नंबर 3, जब आप बैटर डालें पैन में, तो एक बार डालें फिर थोड़ा रुक जाएं, फिर जब उसकी झंझनाहट ख़त्म हो जाए, झरझर की आवाज़, फिर डालें। ऐसे आपका घेवर बहुत अच्छा और जालीदार बनेगा। आपको मेरा घेवर की रेसिपी पसंद है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।